नमस्कार, आप देख रहे हैं एच एस बिहार। आपके साथ मैं अमन कुमार। मेरे साथ कांग्रेस के आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे चुनाव पे चर्चा करेंगे कि चुनाव की क्या तैयारियां हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का आईटी का बैठक भी होने वाला, उस पर भी हम उनसे बात करेंगे। संजीव जी, सबसे पहले तो आपको एच एस बिहार में स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि चुनाव की तैयारियाँ कांग्रेस पार्टी कैसे कर रही है? अब जैसा कि आप जानते हैं, पूरा देश अभी कोरोना महामारी से गुजर रहा है, तो इस कोरोना महामारी के टाइम में डिजिटल प्लेटफॉर्म ही एक बड़ा माध्यम है, जिस माध्यम से हम अपनी बात को जनता तक रख सकते हैं। सारी राजनीतिक पार्टियां डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके काम कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी भी कल प्रथम चरण में 84 विधानसभा क्षेत्रों में जो वर्चुअल रैली कर रही है, इसकी शुरुआत कल है और यह रैली मुझे उम्मीद है कि बहुत ही सफल रहेगी। और यह रैली दूसरे राजनीतिक दलों से पूरी तरह से अलग है, इसमें थ्री वे कम्युनिकेशन है। इसके पहले जो दूसरी रैलियां चलती थी, उस रैली में चाहे वह भाजपा की रैली हो, जदयू की रैली हो, उसमें केवल नेता पटना या दिल्ली से बोलते थे और जनता उनको सुनती थी। बस कांग्रेस की यह जो वर्चुअल रैली है, महासम्मेलन बिहार क्रांति, इसमें थ्री वे कम्युनिकेशन है। यहाँ दिल्ली से भी हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग वहाँ से बोलेंगे, प्रदेश की जो कमेटी है और प्रदेश के जो हमारे नेता हैं वो यहाँ पटना से बोलेंगे, और जिला स्तर पर जो हमारे जिला और ब्लॉक के नेता हैं वो अपने वहाँ से जिला के स्तर से बोलेंगे। तो यह अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसको कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। यह थ्री वे कम्युनिकेशन है, जिला, प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व तीनों आपस में मिलकर इसमें एक दूसरे के सामने अपनी बातों को रख पाएंगे। आपने कहा कि थ्री वे कम्युनिकेशन के जरिए डिजिटल रूप से जनता के बीच जुड़ने का काम करेंगे। ऐसे में अलग पार्टी जो है, और बिहार में और भी पार्टियां हैं, वो भी डिजिटल के जरिए जनता से जुड़ने का काम करेंगे, तो ऐसे में कांग्रेस के बातों को कैसे जनता सुने? बिहार की जनता अभी जो वर्तमान सरकार है इससे ऊब चुकी है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहार की जनता ने एक नारा दिया है, बोले बिहार बदले सरकार। तो बिहार की जनता कांग्रेस के ऊपर भरोसा इसलिए भी कर रही है कि इस कोरोना के महामारी में कांग्रेस ने लोगों को दूसरे प्रदेश से बिहार आने में काफ़ी मदद की, चाहे वह राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, जहां भी कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस ने अपने खर्चे पे बिहारी मजदूरों को बिहार लाने का काम किया है। और कोरोना के महामारी में सबसे ज़्यादा अगर मजबूती से कोई दल आम जनता के साथ जुड़ा रहा है तो वह कांग्रेस पार्टी है। इसलिए बिहार की जनता कांग्रेस के ऊपर भरोसा कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में बिहार की जनता एक बदलाव चाहती है। कोरोना महामारी की आप बात कर रहे हैं, कोरोना महामारी में जो जनता है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान रही, पलायन के जो केसेज आए, बाहर से लोग आ रहे थे, ऐसे में आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार लोगों के बीच मदद कर रही थी। क्षेत्र की बात कर लेते हैं, क्षेत्र में ऐसे भी लोग हैं जो डिजिटल रूप से नहीं सुन पाते, उनके पास मोबाइल का संसाधन नहीं या फिर नॉलेज की भी दिक्कत होती है, इसकी वजह से ऐसे में लोगों को कैसे आप जोड़ने का काम करेंगे? कांग्रेस पार्टी ने हर एक विधानसभा में एलईडी वैन का अरेंजमेंट किया है। हम लोगों ने करीब 400 एलईडी वैन हायर किए हैं और हम अलग अलग विधानसभा जिला स्तर पर बड़ा बड़ा वैन लगाकर एलईडी टीवी के माध्यम से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से दूर दूर बैठाकर ये कार्यक्रम दिखाने का भी इंतजाम कर रहे हैं। एक मेरा सवाल और है, कल बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भी डिजिटल रूप से जनता से जुड़ने का काम करेंगे, ऐसे में क्या लगता है कितना फ़ायदेमंद रहेगा उनके लिए और कितना घाटा रहेगा आपके लिए? नहीं, हमारे लिए क्यों घाटा रहेगा, हमारी सोशल मीडिया की टीम बहुत ही मजबूत है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी चाहे वह फेसबुक हो या ट्विटर हो, ट्रेंडिंग में कांग्रेस पार्टी बिहार में सबसे ऊपर अव्वल चल रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कल के इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी जदयू के ऊपर भारी रहेगी। चुनावी साल है, चुनाव के मोड में तमाम राजनीतिक पार्टी, आपकी भी पार्टी चुनावी मोड में है, जनता के बीच जुड़ने का काम भी आप लोग कर रहे हैं। आपकी जो महागठबंधन की पार्टी है वो चुनाव के मूड में नहीं थी, ऐसे में चुनाव आयोग ने कह दिया कि चुनाव सही समय पर होगा, तो कितना कारगर रहेगा? नहीं, हमारे जो भी सहयोगी दल हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सारे सहयोगी दल हमारे अपने अपने क्षेत्र में अपने कैडरों के बीच काम कर रहे हैं, आम जनता से जुड़े सवालों को, मुद्दों को कंटिन्यू उठा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो भी गठबंधन के सहयोगी दल हैं पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं।
बिहार में पलायन की केसेस लगातार आते हैं, बेरोजगारी के केस आते थे। एसपी यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं बेरोजगारी को लेके, तो क्या लगता है कि जब आपकी सरकार आएगी तो बेरोजगारी खत्म होगा? कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो जो बना रही है, अभी तो जल्दी ही जारी किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि हम बिहार में कम से कम 2 करोड़ नया रोजगार सृजन करने का काम करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी उस ओर काम भी कर रही है। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करें ताकि सभी हमारी बिहारी भाइयों को रोजगार मिल सके, उन्हें दूसरे प्रदेश जाना न पड़े। आपकी पार्टी एक रालोसपा भी है, रालोसपा लगातार नाराज चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा खुद बोलते हैं कि विष पी के भी लेकिन हम महागठबंधन में रहेंगे, ऐसे में कैसे उनको मना पाएंगे आप? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी वरिष्ठ नेता हैं और हमारे सहयोगी भी हैं गठबंधन के, तो मुझे उम्मीद है कि उनका हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत चल रहा है और कहीं गठबंधन में कोई कन्फ्यूजन नहीं, हम सभी लोग एक साथ मजबूती के साथ इस चुनाव में साथ रहेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी की लगातार बात होती है, वैसे में आपको भी पता होगा कि हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने आपकी पार्टी को छोड़ दिया है, आप महागठबंधन को छोड़ दिया है, लगातार वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कोऑर्डिनेशन कमेटी हो जाना चाहिए था? नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की चर्चा चल रही है, इस पर शीर्ष नेतृत्व जो हमारा हाई कमान है वो जल्दी कुछ न कुछ निर्णय लेगा। एक आखिरी सवाल है मेरा, आईटी की बैठक चल रही है, इस बैठक में मुख्य मुद्दा क्या है जिस जो बैठक बुलाया गया? आईटी का बैठक है कि अब हम लोग 2 अक्टूबर को राहुल गांधी जी की एक बड़ी सभा कराने जा रहे हैं जिसमें हमें 10 लाख से 15 लाख लोगों के जुड़ने की उम्मीद है, तो उसके लिए आईटी का एक रिव्यू बैठक था जिसमें आज हमारे सभी जिला और सभी प्रखंड के जितने अध्यक्ष, आईटी सेल के 5000 हमारे जो कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं आईटी सेल के, उन सब के जो भी जो उनके लीडर हैं वो सारे लोग आए थे इस कार्यक्रम में, उन सबको बताया गया है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकें और राहुल जी की रैली जो 2 अक्टूबर को होने वाली है उसको सफल कैसे बनाएं, उसकी एक समीक्षा बैठक भी थी। तो ये थे संजीव सिंह और इनका साफ शब्दों में कहना था कि जनता इस पर पूरी तरह से मूड बना चुकी है और हम लोग भी लगातार तैयारियों में जुट चुके हैं, डिजिटल रूप से भी और ज़मीनी स्तर से भी हम जनता के बीच जाने की कोशिश करेंगे। डिजिटली माध्यम से कल से इनका जो सम्मेलन है वो शुरू होने वाला है और जनता से जुड़ेंगे, 3-way कम्युनिकेशन है कि कैसे जनता तक अपनी बात को पहुँचा जा सके। बहरहाल बने रहे HSBR के साथ, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।